बुंदेली शासकों द्वारा 16वीं शताब्दी में बसाया हुआ एक शहर ओरछा, जो भारत के मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है। ओरछा का केंद्र बिंदु राजा मधुकर शाहजू देव द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया राजा राम मंदिर है। राजा राम मंदिर और मंदिर से लगे हुए क्षेत्र को राम राजा लोक की तरह विकसित किया जाएगा, जिसकी योजना मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन अनुसार तैयार की गई है। रामलोक को भगवान राम के बाल स्वरूप और राजा राम की सुंदरता और कलाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है। प्रवेश गलियारे में हाथी द्वार मंडप, सुसज्जित कमल शिखर प्रवेश द्वार, कमल स्तंभ भगवान के बाल स्वरूप की व्याख्या करते हैं। वहीं दीपमाला और पुष्पक विमान लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान को अयोध्या लौटने के आगमन को दर्शाता है। शयन आरती के लिए श्री राम राजा मंदिर से पाताल हनुमान मंदिर मार्ग को सुसज्जित किया गया है और इस मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए छत्रियों का निर्माण किया जाएगा। राजा राम मंदिर के प्रांगण में राजा राम को 4 बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। इसी प्रांगण को राजा राम की कहानी दर्शाती छत्रियों और दीपों से सुसज्जित किया जाएगा। राजा राम मंदिर परिसर की सारी ऐतिहासिक इमारतों पालकी महल, झुझार सिंह महल, सावन भादो, जानकी मंदिर, मछली दरवाजा, पाताल हनुमान मंदिर और टकसाल भवन को उनके मूल स्वरूप में संरक्षित किया जाएगा, जिससे दरबार की शोभा में वृद्धि होगी। झुझार सिंह महल को संरक्षित कर उसके प्रांगण को भोजन स्थल और प्रसाद वितरण के लिए सारी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक बाग जैसे फूल बाग और वजीर बाग का एकीकरण किया जाएगा, जिससे श्री राम राजा लोक की प्राकृतिक सुंदरता बढ़ेगी। पालकी महल के सामने स्थित विक्रय क्षेत्र को नया स्वरूप प्रदान कर सारी सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। फ्रंट प्लाजा और टकसाल भवन के अग्र भाग को बुंदेली वास्तुकला शैली में विक्रय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में 2.8 एकड़ में स्थित श्री राजा राम मंदिर परिसर अब 12 एकड़ में राजा राम लोक में विकसित होगा, जो श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक अलौकिक अनुभव प्रदान करेगा। राजा राम मंदिर के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 81 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने पर्यटन बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ओरछा के किले, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और कंचना घाट में विकास कार्यों के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसके तहत स्वीकृत राशि 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसका उद्देश्य गढ़ परिसर का समग्र विकास करना है। इसमें घाट के बुनियादी ढांचे के साथ तुलसी घाट का विकास, ई कार्ट से आवागमन के साथ मार्ग निर्माण आदि शामिल हैं। विभिन्न दर्शनीय स्थानों जैसे जहांगीर महल, बारूदखाना, मंदिरों और परिसर में विकास किया जाएगा। आगंतुकों के विश्राम के लिए मार्गों पर विश्राम स्थल शामिल होंगे। जहांगीर महल और शीश महल, बारूदखाना और हिम्मा हमीर की कोठी के उत्तरी हिस्से को प्राकृतिक विरासत, निर्मित विरासत और साइट से जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संरक्षित किया जाएगा। छत्री के पास कंचना घाट के उन्नयन का प्रस्ताव छत्री क्षेत्र में चल रहे कार्यों और सड़क बुनियादी ढांचे के विकास का अनुपालन करता है। इसमें बोट क्लब, शौचालय, पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था आदि जैसी पर्यटक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। इसमें शिल्प और खाद्य बाजार के लिए उचित स्थान निर्धारित करना भी शामिल है। चतुर्भुज मंदिर में ऑडियो गाइड और साइनेज के प्रस्ताव से वहां के इतिहास, वास्तुकला और संबंधित मूल्यों के संदर्भ में समझने में मदद मिलेगी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में QR कोड आधारित ऑडियो गाइड का प्रावधान इसके सुंदर ऐतिहासिक चित्रों की समझ प्रदान करेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर से शहर के मुख्य मंदिरों
और महलों के दृश्य। इस परियोजना में मंदिर को सुंदर महल से जोड़ने का प्रावधान भी शामिल है। ओरछा के विकास के लिए 120 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों के क्रियान्वयन से ओरछा वैश्विक स्तर पर हेरिटेज सिटी के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान दर्ज करेगा।